नासा ने आखिर क्या खोज लिया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। नासा की इस खबर से एक तरफ हिंदू गर्व करते हुए खुशी मना रहे हैं, वहीं कट्टरपंथी चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है बढ़िया होंगे। आज जो रिएक्शन होने वाला है हमारा कि नासा ने जो है एक तो आवाज़ जो है शाया की है, जिसमें वो बताया जा रहा है कि वो ओम की आवाज़ है, मतलब ऊपर जो है एक ब्लैक होल से जो है वो आवाज़ आ रही थी और ये आवाज़ ओम की है। तो चलिए ये देखते हैं कि सच में क्या ये ओम की आवाज़ है, क्या मतलब ये क्या है। इसी जो है वीडियो के ऊपर जो है हमारा रिएक्शन होने वाला है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी मज़ेदार वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। आप वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो बराए मेहरबानी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, मेहरबानी होगी आपकी। तो चलिए वीडियो का करते हैं आगाज। संसार के किसी जाहिल ने कहा था कि ईश्वर और अल्लाह एक हैं। जाहिल इसलिए क्योंकि ईश्वर और अल्लाह के उपदेशों में जमीन और आसमान का अंतर है। जैसे कि ईश्वर कहते हैं कि संसार के हर एक जीव में मैं ही हूँ, इसलिए किसी भी जीव की हत्या मत करो। वहीं अल्लाह कहते हैं कि भेड़, बकरी, ऊंट, मछली आदि नेमत हैं जो हमने इंसानों के भोजन के लिए बनाई है। ईश्वर कहते हैं कि मैं प्रकृति के कणकण में हूँ, भक्त चाहे जिस रूप में पूजा करे वह मेरी ही पूजा है। वही अल्लाह कहते हैं कि मैं सातवें आसमान पे बैठा हूँ, मेरे अलावा कोई भी पूजनीय नहीं है। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं जिनसे साबित होता है कि अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है। पिछले 100 वर्षों में आधुनिक विज्ञान ने जो भी ब्रह्मांड के रहस्य खोजे हैं, उन सभी का वर्णन वेदों में लाखों वर्ष पहले ही किया जा चुका है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का गोल होना, पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाया जाना आदि ऐसी बहुत सी बातें वेदों में पहले से ही लिखी हुई हैं, जो आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में सिद्ध होती जा रही हैं। अभी हाल ही में आई नासा की एक और वैज्ञानिक रिसर्च ने वेदों की प्रामाणिकता पर मुहर लगा दी है। नासा ने आखिर क्या खोज लिया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। नासा की इस खबर से एक तरफ हिंदू गर्व करते हुए खुशी मना रहे हैं, वहीं कट्टरपंथी चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों, आप में से कई लोगों ने कमेंट करके कहा था कि नासा की ब्लैक होल साउंड पर वीडियो बनाइए, जिसे नासा ने हाल ही में शेयर की है। तो मित्रों, आप सबके अनुरोध पर प्रस्तुत है आज का वीडियो, जिसे देखकर निश्चित ही आपको गर्व महसूस होगा। निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा अंतरिक्ष रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ गहन अंधकार है जिसका ना आदि है ना अंत। यह अनंत ब्रह्मांड पूरी तरह से खाली है। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार अनंत ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इसका कितना हिस्सा हम अभी तक समझ पाए हैं, यह ठीक ठीक बता पाना संभव नहीं है। अंतरिक्ष के पूरी तरह से खाली होने के कारण वहाँ कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। प्रैक्टिकली ध्वनि उत्पन्न होने के लिए किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में टकराना जरूरी है। इसके अलावा कंपन, घर्षण व विद्युत चुंबकीय प्रभाव से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। ब्रह्मांड में बहुत सारी गैसें मौजूद हैं। इसके अलावा पृथ्वी सहित भिन्न भिन्न ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल का चुंबकीय प्रभाव भी मौजूद है। नासा ने अभी हाल ही में पर्सियस आकाश गंगा समूह के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल की ध्वनि को खोजा है और एक वीडियो के जरिए इस साउंड को शेयर किया है। पहले आप यह वीडियो देखिए। दोस्तों, नासा द्वारा खोजा गया यह ब्लैक होल 250 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इस क्लस्टर में गैस और प्लाज्मा के जरिए बढ़ने वाली वास्तविक ध्वनि तरंगों को खोजा गया है। हालांकि वर्ष 2003 में भी ब्लैक होल की ध्वनि तरंग को खोजा गया था। इसे अध्ययन के लिए इस्तेमाल भी किया गया था,
उस समय वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया था कि ब्लैक होल से पैदा होने वाला दबाव क्लस्टर की गर्म गैस में तरंग पैदा करता है और यह ध्वनि तरंग 20 हर्ट्ज से भी काफी कम थी। गौरतलब है कि कोई भी इंसान 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की ध्वनि नहीं सुन सकता और इसीलिए नासा ने इस बार खगोलीय डेटा का सिग्निफिकेशन करके इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है ताकि ब्लैक होल की आवाज मनुष्यों को सुनाई दे सके। नासा ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि यह धारणा गलत थी कि अंतरिक्ष में कोई ध्वनि नहीं है, क्योंकि आकाश गंगा खाली है, इससे ध्वनि तरंगों को यात्रा करने का कोई रास्ता नहीं मिलता। एक गैलेक्सी क्लस्टर में इतनी गैस है कि हमने वास्तविक ध्वनि को अब पकड़ लिया है। यहाँ एक ब्लैक होल की ध्वनि को अन्य डेटा के साथ एम्प्लीफाइड किया गया है। दोस्तों, नासा का यह ट्वीट जैसे ही सामने आया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह तो ओम की आवाज है। कई लोगों ने नासा के वीडियो को रीट्वीट किया। एक यूजर ने लिखा कि विज्ञान हिंदू ऋषियों से पीछे है, विज्ञान ने आज जो खोजा है वह बहुत पहले ऋषियों ने खोज लिया था। एक और यूजर ने लिखा कि ओम शाश्वत ध्वनि है, वह ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। मित्रों, यदि आप यह वीडियो देखते हैं और इसकी ध्वनि को सुनते हैं तो आप साफ तौर पर यह सुन सकते हैं कि यह ओम की ध्वनि है। यह वीडियो देखने के बाद कुछ कट्टरपंथियों को मिर्ची भी लग गई है। ट्विटर पर रिप्लाई करते हुए कट्टरपंथी लिख रहे हैं, यह सब बकवास है, यह सब पाखंड है, ओम पंडितों का बनाया हुआ है, यह सब ब्रह्मांड में कहां सुनने को मिलेगा। आखिर ब्लैक होल से ओम की आवाज क्यों आ रही है, इसको लेकर वैज्ञानिक भी आश्चर्य में है। हमारा ब्रह्मांड रहस्यों का खजाना है, दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार इसके अध्ययन में लगे हुए हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश में कभी कभी वैज्ञानिकों को कामयाबी भी मिलती है। नासा की ज्यादातर रिसर्चेस में वेदों की प्रमाणिकता सिद्ध हो चुकी है। यही कारण है कि वैज्ञानिक वेदों में पूरी तरह आस्था रखते हुए उन पर रिसर्च करते हैं। वेदों में वर्णित देव लोकादि तथ्यों से प्रेरित होकर एलियंस तथा दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना का भी पता लगाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हालांकि इस विषय में वैज्ञानिकों को अभी कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई है। ब्लैक होल की ध्वनि के विषय में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ध्वनि गुरुत्वाकर्षण तरंगों से उत्पन्न कंपन के कारण भी हो सकती है। लोग सोचते हैं कि अंतरिक्ष में बिना हवा का माहौल कैसा होता है, अंतरिक्ष में सन्नाटा है या फिर कोई शोर। फिलहाल नासा ने आपके इस सवाल का जवाब दे दिया है, यानी अब आप सुन सकते हैं कि अंतरिक्ष में भयानक अंधकार के बीच ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। इसके पहले भी नासा ने कई ग्रहों की आवाजें रिकॉर्ड की हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की ओम की ध्वनि सुनाई देती है। सृष्टि के इतिहास में वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। वैसे वेदों को धर्म ग्रंथ कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि वेद वास्तविक तौर पर वह विज्ञान है जिन्हें हमारे प्राचीन ऋषियों ने खोजा था। आज के लाखों वर्ष पहले हमारे सनातन धर्म के ऋषियों ने जो भी वैज्ञानिक अनुभव प्राप्त किए उन्हें वेदों में बहुत ही गूढ़ तरीके से लिखा। वेदों में ओम को प्रणव कहा गया है। यह समस्त ब्रह्मांड ओम से ही उत्पन्न होता है और ओम में ही समा जाता है। ओम में ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ओम ही निराकार ईश्वर है, सभी स्वर ओम से ही उत्पन्न होते हैं। सनातन धर्म का विज्ञान एक शाश्वत सत्य है जिसे देर सवेर एक ना एक दिन संपूर्ण विश्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मतलब नासा ने जैसे ही वीडियो अपलोड की तो लोगों ने देखी, देखने के बाद लोगों का रद्द अमल ये था कि ये ओम की आवाज़ आ रही है। नासा ने जो वीडियो अपलोड की थी वो एक ब्लैक होल की जो है उसके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, एक सनसनी की आवाज़ थी। लोगों का मानना है कि ये ओम की वीडियो है, क्योंकि उनका मानना है कि ओम जो है हर जगह पर मौजूद है और जो है ये ओम की आवाज़ एक ब्लैक होल से आवाज़ आ रही थी। और जो है मतलब नासा ने नहीं कहा है, ये आम लोगों का मानना है। और जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो बड़े बड़े पंडितों ने कहा कि ये वाकई ओम की आवाज़ है। आपने वीडियो देखा, आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई ओम की आवाज़ है, ब्लैक होल से आवाज़ आने वाली आवाज़, क्या ये वाकई ओम की आवाज़ है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। मैं मिलूंगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।